और ये हमारा रजिस्टर जो की इस तरीके से क्या इस वजह से तो आपका ये टाइट हो गया ना, ये किसी को भी जब भी बांधे मतलब हेलमेट ये टाइट होना चाहिए, ये भी लगाना इसके लिए लगा के चलो और यहीं से इसको जो है भाई चल लीजिए 100%। बहुत बढ़िया। उसी संदर्भ में आज के दिन हम उनके ही सहयोग से हेलमेट बैंक की गौतम बुद्ध नगर में शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की प्रशासनिक पूरी टीम ने ट्रैफिक पुलिस ने एक आह्वान किया है गौतम बुद्ध नगर की जितनी भी जनता को ट्रैफिक वॉलंटियर्स बनने के लिए। तो हम हेलमेट बैंक लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि आज सड़कों पे जो लोग बिना डुप्लीकेट हेलमेट जो लेकर के चल रहे थे उनकी शिक्षा पीछी गई, जिनकी अधिकतर लोग पांचवी पास थे और जो डुप्लीकेट हेलमेट लगाए थे उनको तोड़ करके एक सही हेलमेट दिया गया। उनका सिर्फ यही कहा गया कि आप जिस कोई भी अगर हो अगर सड़क पे या तो बिना हेलमेट दिखे या तो डुप्लीकेट हेलमेट लगाने वाला व्यक्ति दिखे तो आप उसको हेलमेट बैंक के बारे में बताना है, ताकि अपनी गाड़ी नंबर के साथ आईडी नंबर भी दिखाए, अपना आधार नंबर, और 7 दिनों के लिए हेलमेट निःशुल्क ले जाए। और अगर कोई उसका मित्र भी है तो हर किसी को बताना है, ताकि गौतम बुद्ध नगर में किसी भी व्यक्ति को सड़कों पर बिना हेलमेट नहीं चल रहा है। उसी के संदर्भ में आज यहाँ पे कार्यक्रम किया। हेलमेट बैंक तो रहेगी कहाँ पे? ये हेलमेट बैंक सर हमने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सर से भी प्रशासन पहला हम परी चौक से शुरुआत कर रहे हैं वहाँ पर, और उसके बाद अगर प्रशासन से और भी हमें जगह मिलता है जहाँ पे कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही है जिधर में लोग बिना हेलमेट चल रहे हैं हम उस जगह पे भी हेलमेट बैंक कराएंगे, ताकि उस जगह पे लोगों के हेलमेट्स का। ये सर 2014 में मैं नोएडा में ही अपना मित्र को खो दिया था जो कि बिना हेलमेट एक्सप्रेसवे पे चल रहा था, और तब से मैं सड़कों पर हर किसी को अपना मित्र समझ करके पिछले 7 सालों में 49,800 हेलमेट बांट चुका हूँ, और जिसे हेलमेट देता हूँ उसे पुस्तक मांगता हूँ, जैसे आज मैंने कुछ बच्चों को पुस्तक दिया और उस तरीके से हमने 8 लाख बच्चों तक हम पुस्तकें भी पहुँचा चुके हैं। अब उसी के संदर्भ में आप हेलमेट बैंक लेकर के आ रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें और किसी भी कारण को हेलमेट की दिक्कत ना आए। इन्होंने एक कंसेप्ट रखा है कि हेलमेट बैंक का, ये देखा गया है कि कई लोग जल्दबाजी में अथवा बहुत लोग बाहर से आते हैं कुछ दिनों के लिए तो उनका हेलमेट नहीं होता है, तो ये कुछ अनिवार्य डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको हेलमेट देंगे, निःशुल्क देंगे जैसा मुझे इन्होंने बताया है, और फिर जब उसकी अवधि पूरी हो जाएगी तो वो जमा कर देंगे। एक मुहिम है जिसमें ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह इनका सहयोग कर रही है, जहाँ तक इनकी जो हेलमेट बैंक के लिए डिमांड है, ये चाहते हैं कि हर एक जगह चाहे ग्रेटर नोएडा हो नोएडा हो एक ऐसा सुरक्षित जगह मिल सक पाए इनको कि जहाँ ये हेलमेट को रख सके और सुबह 6 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक निरंतर सेवा दे सकते हैं। तो हम इनकी बात को भी जिन भी विभाग को पहुँचानी हो पहुँचाएंगे, और हमने इनसे ये भी आग्रह किया है कि जब तक आपको कोई जगह नहीं उपलब्ध होता है तो आप हमारा ट्रैफिक कार्यालय में भी इस तरह के कार्यक्रम बैंक के रूप में यूज अस्थायी रूप से स्टार्ट कर सकते हैं। उद्देश्य ये है कि जो ये मुहिम है ट्रैफिक वॉलंटियर का हेलमेट पहनवाने का लोगों को, दूसरा है कि दुर्घटना को रोकने का, किसी भी तरह से इसमें अड़चन ना आए, इनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है और लगातार ट्रैफिक पुलिस इनके साथ समन्वय करके इनके जो भी प्रयास होते हैं सहायता। और सर कब से शुरू होगा ये? हाँ, प्रत्येगात्मक रूप से माने तो इसकी शुरुआत इन्होंने आज से ही कर दी है।